नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज का ये क्लास या सेशन जो है भारतीय बजट से जुड़ा हुआ सेशन है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने जा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूसी नेट का हो, बैंकिंग का, आईबीपीएस का हो, आरआरबी का हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, सभी से जुड़ा हुआ सवाल और जवाब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस पे जरूर देखें और लोगों को जरूर शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि आज का बजट जो है 1 फरवरी को हमारे आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया, किस तरह का बजट था और इसमें कौन कौन से क्षेत्रों में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई, ये किस इससे लोगों को किस किस सेक्टर में लाभ मिलने जा रहा है, कौन से सेक्टर को ज़्यादा इससे फायदा होंगे, इस सभी तरह के सवालों को जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो मैं बात करूँ कि ये बजट, तो बजट जो है मुख्य रूप से, और मैं बता दूं कि सभी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मेरा एक एनालिसिस ये रहा है कि यह बजट जो है पूरी तरह से एकदम संतुलित और नियंत्रित बजट है ना। यानी नियंत्रित बजट का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ये लक्ष्य की प्राप्ति की कार्यविधि पर जो नियंत्रण होता है उसी को संतुलित या नियंत्रित बजट कहते हैं। तो ये पूरी तरह से संतुलित और नियंत्रित बजट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ देने जा रहा हूं, तो फटाफट जानते हैं। तो मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। लोग बजट से बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उमड़ते हैं कि बजट एक्चुअली होता क्या है। तो एक साधारण सा भाषा हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक नौकरी पैसा करने वाले या एक मंथली हम लोग इनकम हम लोगों की है, सपोज दैट, तो हम लोग का एक मंथली इनकम में हम लोग जो भी आय कमाते हैं तो उसका एक महीना के लिए हम लोग एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि इस महीने में कितनी खर्च की जाएगी राशि, कितनी लाभ होगी। तो उस तरह से एक तैयार जो बायोडाटा होता है उसी को बजट कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं बजट क्या है। बजट एक निश्चित अवधि से पूर्व तैयार किया गया और लक्ष्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उस अवधि में लागू की जाने वाली नीति की वित्तीय और मात्रात्मक विवरण है ना। तो मैं बता दूं कि बजट को जो है इंडियन आर्टिकल नंबर 112 में कहा गया है अनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। यह प्रबंधक वर्ग का एक उपकरण है जिसकी सहायता से नीति निर्धारण, लक्ष्यों की प्राप्ति, लाभ अर्जन हेतु व्यवसाय का ठोस संचालन किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है, यानी एक आप इस हफ्ता का बनाओ, एक महीने का बनाओ, या एक साल का बनाओ, या 5 साल का बनाओ, एक निश्चित एक टर्म होनी चाहिए, है ना। निश्चित अवधि से पूर्ण ही इसको बना लिया जाता है, यानी आने वाला समय के लिए, सप्ताह के लिए, महीना के लिए इसको तैयार किया जाता है या 1 साल के तैयार किया जाता है। वित्तीय मौद्रिक के मात्रात्मक विवरण है। तो मैं बात करूं कि बजट के कितने कितने प्रकार होते हैं, तो मैं विस्तार से आपको बताऊँ, उससे मैं शॉर्टकट से बता दूँ कि इसको दीर्घकालीन बजट या आपकालीन बजट, वित्तीय बजट, नगद बजट के रूप में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष रूप से बता दूं कि बजट की शुरुआत कैसे होती है। बजट 6 चरणों से गुजरता है। बजट की प्रस्तुति की जाती है, आम चर्चा होता है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है, अनुदान की मांगों पर मतदान होता है कि इस सेक्टर में इतना राशि दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक पारित करना। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फिर हलवे का रस्म अदा की जाती है और आखिर में 1 फरवरी को लोकसभा के में वित्त मंत्री के द्वारा 11 बजे बजट पेश किया जाता है। उससे पहले मैं बता दूं कि 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था और रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन ये पिछले 2 से 3 साल में रेल बजट को और आम बजट को दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो मैं बता दूं कि वित्तीय बजट होता क्या है। तो वित्तीय बजट मतलब वर्तमान परिस्थितियों से संबंध में केवल 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, जिसको वित्तीय बजट कहा जाता है। जैसे कि सरकार का वित्तीय बजट है ना, सभी कंपनियां भी जो है छोटे बड़े इंडिविजुअली जो है अपना बजट बनाती हैं कि उसको कितना टारगेट खर्च करना है, कितना उसका होने वाला आय है, रेवेन्यू कितनी है, फिस्कल डेफिसिट कितनी है सभी। तो और कुछ मैं जानकारियां बता दूं कि बजट के 6 स्तंभ कौन कौन से होते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवाचार और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।
तो तीसरी बार सबसे छोटा भाषण वित्त मंत्री के द्वारा इस बार दिया गया, यानी 1 घंटा 50 मिनट का था। उससे पहले 2020 में 2 घंटा 42 मिनट था। उस दौरान वित्त मंत्री जो है अंतिम क्षण में वो बेहोश हो गई थी। और 2019 में 2 घंटा 15 मिनट का जो है भाषण था, यानी सबसे लंबा 2020 में था। तो इसमें किस किस सेक्टर को क्या क्या दी गई, तो कोरोना में जो जो है 16 बार शब्द का भाषण में इसको जिक्र किया गया, 25 बार स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी शब्दों का बात बात मैं कर रहा हूँ। किसान को जो है 12 बार कृषि का जिक्र किया गया है, 11 बार किसान शब्द का प्रयोग किया गया है, कर के बारे में 48 बार जो है टैक्स के बारे में किया गया है, 13 बार निवेश का शब्द का किया गया है। और वित्त मंत्री ने भाषण में रविंद्रनाथ टैगोर की जो है पंक्तियां भी पढ़ी। विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करता है और तब गाती है जब वो भोर में अंधेरा बना देती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किन किन राशियों को, कितनी कितनी राशियों को जो है आवंटित किया गया है। और इसके उससे पहले कुछ मुख्य रूप से मैं बता दूं आपको कि लगभग 34,83,000 करोड़ रुपये की कुल बजट जो है 21-22 में पेश किया गया है। 12 लाख करोड़ रुपये की कर्ज जो है सरकार जुटाएगी, जो सरकार की कुल आमदनी का 36% होगा। बाकी बचे पैसे टैक्स व लाभांश से आएंगे। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जो है चालू वित्त वर्ष में GDP का 9.5% तक पहुँच सकता है, लेकिन वर्तमान समय में अनुमान लगाया है कि 6.8% रहने वाला है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने दे रहा हूँ, तो इसको आप जरूर नोट्स तैयार करें, या आने वाले जो भी कैंडिडेट है स्टूडेंट से आम जानकारियां के रूप में आप इसको समझ सकते हो। तो इसको एकदम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मन में एक भ्रम डाल लेते हैं कि बजट से क्या होगा, क्या उनको टैक्स बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बजट हर साल होता है, तो एक आप साधारण से बात से इसको समझो और इसको आप अपने जीवन में लागू करो, उसको फॉलो करो। चलिए देखते हैं बजट 2021-22 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। स्वास्थ्य पर दुगने से अधिक बजट दिया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मिले हैं। करदाताओं के आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी पुराना ही टैक्स स्लैब चलेगा। 3 क्षेत्रों रोकथाम, उपचार और देखभाल में विशेष ध्यान इसमें दिया गया है। इस जो बजट का मुख्य संदेश यही इसमें निकला है। 4.39 लाख करोड़ रुपये जो है वित्त वर्ष 2021-22 में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार जो है दिसंबर में सॉरी जनवरी में जो है 1,20,000 करोड़ रुपये GST संग्रह हुआ है, अब तक सबसे अधिक हुआ है। रोजगार के लिए 3 साल में 7 नई पार्क टेक्सटाइल खोले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन सरकार की तरफ से लिया जा गया है। अगले वित्त वर्ष में लगभग 1,75,000 यानी पौने 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये जो 7 नए टेक्सटाइल्स जो है आने वाला प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार अग्रणी उद्यमियों के लिए तैयार करने और उन्हें पोषित करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए जो है ये बनाया गया है। और लगभग उसमें 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा टेक्सटाइल क्षेत्र में। मैं बता दूं कि किन किन चीज़ों की इसमें महंगा हुई है और कौन कौन सी चीज़ें जो है सस्ता हुई है। तो कारण क्या है कि यदि सरकार एक भारत में बनवा रही है उस वस्तुओं को और फिर भी जो है कंपनियां उसको इंपोर्ट करवा रही है अन्य कंट्री से, तो इस कारण से उसको आयात को महंगा कर दिया गया है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी, फ्रिज, AC, कंप्रेसर, एथेनॉल, जानवरों का चारा, सेब, फूड, पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, इस तरह से नन बोल्ट, टनल बोरिंग मशीन, मोटर पार्ट्स, बैटरी, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, प्रिंटर कंपोनेंट्स, सभी ये महंगे कर दिए गए। यानी सरकार चाह रही है कि इसको देश में बनाया जाए, इसको आयात नहीं किया जाए। और कौन सा सस्ता हुआ, सोना, मिश्रित सोना, चांदी, कीमती धातु जैसे प्लेटिनम, आयरन, स्टील स्क्रैप, स्टेनलेस स्टील, कॉपर स्क्रैप, रक्षा मंत्रालय की ओर से बनवाया जाने वाला एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट, ये सभी सस्ता कर दिए गए हैं। क्योंकि क्योंकि इसमें सरकार को जो है कुछ खास ऐसे लाभ नहीं मिलने जा रहा है और देश को इस सभी चीज़ों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। यानी इसका निर्माण जो है बहुत कम ही मात्रा में, कम ही प्रतिशत में हो रही है।
तो इस तरह से कुछ वस्तुओं वस्तुओं वस्तुएं जो हैं महंगे और सस्ते हुए हैं। तो राशियों का विवरण मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह से उसको किस किस सेक्टर में कितना कितना वितरण किया गया। रेलवे की बात करूँ तो 1,10,000 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है। सड़क परिवहन की बात करूँ तो 1,18,000, रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 4,78,000, स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 2,23,846 करोड़, कृषि क्षेत्र में 1,31,000 करोड़, शिक्षा में 93,000 करोड़ के आसपास, टेक्सटाइल्स मिशन के लिए 14,080 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000, मनरेगा के लिए 73,000, बैंक के लिए 20,000, स्वच्छता बजट के लिए 2,80,000, डिजिटल जनगणना के लिए 3,700 कुछ रुपया, एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,000 लगभग, बिजली क्षेत्र के 3 लाख करोड़, अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,000, सीबीआई के लिए 835 करोड़ रुपया, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 12,000 से अधिक, यानी ये 3 शहरों में शुरू की जाने वाली है। कोची, चेन्नई और नागपुर की बात मैं कर रहा हूँ। शहरी आवास योजना के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपया है। यानी इस तरह से राशियों का बंटवारा जो है, या फिर बोल सकते हो कि वितरण किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। यानी कुल मिलाकर 34 लाख करोड़, यानी लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास जो है राशि जो है खर्च की जा रही है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। तो 1 साल के लिए बजट पेश की गई है, जिसको आम बजट आप बोल सकते हो। बजट 2021-22 की 15 महत्वपूर्ण बातें, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है, यानी कोई तरह का परिवर्तन नहीं मिला है। एक तरह से मतलब उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है आप बोल सकते हैं। तो 75 से अधिक वर्ष के जो लोग हैं, नागरिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आईटीआर से राहत मिलने जा रही है। यानी सरकार उनको पेंशन तो दे रही है, बट वो अन्य आय से वो कुछ इनकम कमा रहे हैं तो उस पर सरकार टैक्स लेगी। पेट्रोल डीजल पर, यानी पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 4% जो है कृषि शेष लगने जा रहा है। डूबे बैंक पर, बैंक डूबे तो आप लगभग 5 लाख करोड़, 5 लाख रुपए जो है सुरक्षित रहने वाले हैं। पीएफ में ज़्यादा पैसे हैं, यानी लगभग 2.5 लाख से अधिक ज़्यादा निवेश है, और उसमें जो ब्याज मिल रहा है आपको, उसमें आप टैक्स लगेगा। एलआईसी का आईपीओ सरकार लाने वाली है। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। एयर इंडिया सहित इन कंपनियों को निवेश विनिवेश उसमें की जाएगी। फूड सब्सिडी दुगनी हो गई है। केरोसिन पर जो है सब्सिडी खत्म कर दी गई है। ऐसे भी केरोसिन का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। घरेलू टेक्सटाइल्स को बढ़ावा दी जा रही है। 7 नए टेक्सटाइल पार्क शुरू होंगे। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल चुकी है, यानी बोला जाए तो 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया गया। 50 लाख की पेड बैक कैपिटल लिमिट को 2 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खुलेंगे। 750 एकलव्य स्कूल स्थापित होंगे। अब नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी होगी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अबाउट 30 है ना, तो ये आने वाले समय में बहुत काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री पद रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया। यानी अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है, तो 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने। इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी, सीजीएल, यूजीसी, नेट, आईबीपीएस, आरआरबी सभी क्षेत्रों में। सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं, यानी वित्त मंत्री हैं ये थे। भारत की पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 7 अप्रैल 1860 में बजट पेश किया गया, जो कि मैं बता दूं कि ब्रिटेन की जो सरकार थी उस समय जो है पहली बार जो है इसको बजट पेश किया गया। नेक्स्ट, बजट पेश करने वाली प्रथम महिला निर्मला सीतारमण जी हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी हैं। भारत का पहला डिजिटल बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, यानी इस बार पेश किया गया। आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। संविधान गठन के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। अनुच्छेद 112 में बजट का लेखा जोखा दिया गया है, यानी आर्टिकल नंबर 112 में जो है बजट से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियां दी गई है। भारत में अभी तक ब्लैक बजट, ड्रीम बजट, मिलेनियम बजट, आम बजट, गिफ्ट बजट, डिजिटल बजट आदि
किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 30 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये 10 हुए, 10 और 20 और अभी आपको बताने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न। 2020 में बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के 5 नंबर पर पहुंच गई थी, लेकिन अभी 6 नंबर पर वर्तमान में है क्योंकि कोविड-19 की से स्थिति बिगड़ी है। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए लगभग 35,000 करोड़ की राशि आवंटित की है, कितनी की? 35,000 करोड़ की। सवाल अक्सर पूछे जाएंगे, आप जरूर इसका नोट्स बना लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, दिस इज माई रिक्वेस्ट। भारत सरकार 75,000 स्वास्थ्य केंद्र तथा 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराएगी। भारत सरकार 3 शहरों में कोची, चेन्नई और नागपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, यानी लगभग वहां पे कहा जाए तो 12,000 से अधिक का करोड़ रुपए की राशि इसमें सरकार खर्च करने जा रही है। भारत सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 8,500 किलोमीटर की एनएच बनाएगी। तो एनएच जो है वो अलग है देश का और भारतमाला प्रोजेक्ट अलग है। निर्मला सीतारमण भारत में लगातार 3 बार बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी। 2.5 लाख के ऊपर राशि का सालाना ईपीएफ में जमा करने पर उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में अब आने वाला है, क्योंकि सरकार देख रही है कि जो भी एफडी हो रहे उसमें लगभग 5% से कम जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो इस तरह से सरकार उस पर जो है टैक्स नहीं ला पा रही है, तो अब इसमें 5% से अधिक पीएफ में टैक्स मिल रहा है, तो उसमें सरकार अब टैक्स के दायरे में इसको लाने जा रही है। भारत सरकार अगले 3 साल में 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा जो है 49% बढ़ाकर 74% करने का फैसला लिया गया है। रेल बजट में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल ये सभी है, इसको जरूर नोट्स तैयार करें और एक बार नहीं दो बार देखें, और राइट साइड में 3 को जो बिंदु है उसमें जाकर आप अपना उसको जो है बढ़ा सकते हो, ताकि आपको एक अच्छा वीडियो दिख सके, अच्छा जो है राइटिंग दिख सके, यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो देखने में। आगे देखते हैं, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी जो पुरानी स्लैब जो थी उसी को सरकार ने लागू रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, 64,000 करोड़ रुपए की पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे लोगों को एक स्वास्थ्य सेक्टर में एक उम्मीद जगने वाली है। 75 वर्ष से अधिक की उम्र में पेंशनधारियों को टैक्स से छूट दी जाएगी, मैंने इसके बारे में विस्तार से बता ही दिया पहले। शहरों के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 34,83,236 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, यानी ये बजट पेश किया गया, और लेकिन कहा जाए तो लगभग सरकार को 16 लाख के आसपास ही रेवेन्यू मिलने जा रही है, बाकी वो सरकार लोन लेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 6.8% वित्तीय घाटा रहने का अनुमान है, यानी फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन अगले साल जो है सरकार और उसमें बढ़ने का अनुमान लगाई है। 20,000 करोड़ रुपए की राशि सरकारी बैंकों को के लिए आवंटित की गई है। 2,23,000 करोड़ रुपया हेल्थ बजट के रूप में राशि आवंटित की गई है, यानी ये दूसरी सबसे बड़ी राशि की गई, सबसे बड़ा अच्छा सेक्टर में की गई, लगभग 4.5 लाख के आसपास है करीब करीब। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 41,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मोबाइल फोन में कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर जो है 11.5% कर दी गई है। तो इस तरह के सरकार जो है निर्णय लिया है, और इस तरह से कौशन बनकर उभरा है आने वाले संभावित एग्जामों के लिए, चाहे वह SSC हो, CGL हो, RRB, NTPC, ग्रुप डी, UGC, नेट, सभी से जुड़ा हुआ है। तो मैं बात करूँ झारखंड की, क्योंकि मैं ऐसे वो मूल रूप से झारखंड से हूँ, तो मैं झारखंड का जरूर आपके लोगों के लिए कुछ जवाब और सवाल जो भी उनके द्वारा पूछे गए हैं या उनके जो आशाएं थी उनसे मैं जुड़ा हुआ सवाल बताने जा रहा हूं। झारखंड के लिए केंद्रीय बजट में थोड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षा और सड़क परियोजनाओं में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। पोषण अभियान 2 की शुरुआत से जाहिर तौर पर झारखंड को लाभ मिलेगा। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगभग 66 एकलव्य विद्यालय खोलने की बहुत संभावना है, यानी विद्यार्थी आदिवासी विद्यार्थी बच्चों को इसमें एक अच्छा समाज बनाने की, एक अच्छी भविष्य बनाने की मौका मिलने जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 2 सड़कें की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष की तुलना में आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड को केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी मध्य से लगभग 2,850 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। इस बार राशि जो है 22,000 करोड़ रुपए की अनुमानित की गई है। तो ये था आम बजट
खास बजट बोल सकते हो, यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके बारे में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की। आई होप इससे आपको काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो ये काफी बोल सकते हैं ओवरऑल एक संतुलित और नियंत्रित बजट है जो हम सभी के लिए काफी जो है इम्पोर्टेंट है। इससे लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं। तो हम सभी यही चाहते हैं कि सरकार अच्छे से अच्छे लोगों के लिए योजना लाए, आम से खास गरीब वर्ग से लेकर उच्च वर्ग लोगों के लिए सभी के लिए अच्छी योजनाएं लाए। तो इसी बात के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।